व्हाट्स अप एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यू TH9 स्ट्रेटजी जैप लालून, क्योंकि जैप लालून में हम 7 लाइटनिंग यूज करते हैं और एक काफी ऑसम अटैक है, तो आप भी इस अटैक को जरूर ट्राई करना गाइस। तो अगर आपका किंग और क्वीन अगर लेवल 30 की हुई तो ये अटैक 100% आपका तीसरा अटैक होएगा, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी किंग और क्वीन जो लेवल 25 के नीचे हुए तब ये थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि किंग और क्वीन से आपको एक सेक्शन डाउन करना होता है, जैसे कि ईडीज का सेक्शन डाउन करना होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेटजी क्या होती है कि हमें ओपोनेंट की जो सीसी है उसको जैप कर लेना है लाइटनिंग के साथ, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि आप ओपोनेंट के जो 2 ईडीज है उसको जैप कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आएंगी, क्योंकि इस जब आप ये अटैक करोगे तो ओपोनेंट की क्वीन को भी आपको मारना होगा, आप उसको जैप से मारिएगा नहीं तो आप उसको अपने किंग और क्वीन से मार सकते हो। लेकिन इस अटैक में क्या होता है कि हमें सीसी को भी क्लियर करना है, अपोनेंट की क्वीन को भी क्लियर करना है, प्लस हमें 2 ईडीज पहले खत्म करने लालू स्टार्ट करने से पहले। तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप ऑलवेज क्या करें कि आप सीसी को जैप करने की कोशिश करें और अच्छा खासा वैल्यू मिल जाए आपको जैप में, और फिर आप किंग और क्वीन से 1-2 ईडीज निकाल दे प्लस ओपोनेंट की क्वीन निकाल दे, वो जैप से निकाले या अपने किंग और क्वीन से निकाले, तब ये अटैक आपका काफ़ी अच्छा होगा और फिर आप लालून अपना स्टार्ट कीजिएगा। और ओपोनेंट के एयर स्वीपर्स भी देखिएगा, क्योंकि जब आप लालून अटैक स्टार्ट करोगे तब एयर स्वीपर्स भी काफ़ी दिक्कत पहुँचा सकते हैं आपके लून्स को। और क्वीन को क्यों मारना होता है ओपोनेंट के, क्योंकि क्वीन काफ़ी डैमेज पहुँचाती है हमारे लून्स को, क्योंकि एयर अटैक जब भी आप कोई भी एयर अटैक करोगे तब ओपोनेंट की क्वीन होती है ना, वो काफ़ी मतलब काफ़ी परेशान कर देती है। तो ये तो 3 थिंग्स है, ओपोनेंट की जो सीसी प्लस क्वीन और प्लस जो उसकी 2 ईडीज है उसको आपको लालून स्टार्ट करने से पहले आपको ख़त्म करना होगा और फिर आपका लालून स्टार्ट होगा। आप सीसी में आप इलेक्ट्रो ड्रैगन ही प्रीफर करें लेके जाना, और आप इलेक्ट्रो ड्रैगन अपनी मर्जी से कहीं पर भी छोड़ सकते हो जहाँ पर आपको अच्छा वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हम ज़्यादा क्लीनअप नहीं है, आप देख सकते हो आर्मी की ज़्यादा क्लीनअप नहीं है, तो आप जो इलेक्ट्रो ड्रैगन है उसका एंड तक टिकना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव टू द अटैक। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बेस में कि मैंने क्या किया, मैंने इस बेस में सोच समझ के अटैक किया है कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो सीसी के पास काफ़ी अच्छा वैल्यू मिल जाता है मुझे, जैसे कि स्वीपर मिल गया और क्वीन भी मिल गई। तो ये अटैक में क्या होता है कि आपको क्वीन को निकालना ही होता है, अगर आप लाइटनिंग से निकालो नहीं तो आप किंग और क्वीन से क्वीन को निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने उस जो सीसी के अराउंड, क्योंकि क्वीन वहाँ पे आके रुकेगी सीसी के पास, तो मैंने क्या किया कि सीसी और वो जो एयर स्वीपर और क्वीन को जैप कर दिया, मतलब लाइटनिंग स्पेल्स से ख़त्म कर दिया, और फिर एक अर्थ को 107 लाइटनिंग्स और एक अर्थ को 1 सीसी ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी अच्छा वैल्यू भी मिलेगा। तो बाद में क्या करूँगा कि ये जो एयर डिफेंस दिख रहा है तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं किंग और क्वीन डालूँगा, क्योंकि किंग और क्वीन से आपको क्या करना पड़ता है कि इधर आप एयर डिफेंस को मतलब 1-2 एयर डिफेंस निकाल दीजिएगा किंग और क्वीन की हेल्प से, या आप क्वीन को भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या होगा फ़ायदा मिला क्योंकि क्वीन सीसी नज़दीक थे, तो मैंने सीसी को जैप कर दिया और काफ़ी अच्छी वैल्यू मुझे लाइटनिंग स्पेल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एयर स्वीपर था वो भी चला गया और काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल गया यार क्वीन से। और आप देख सकते हैं कि मेरी क्वीन जो है वो लेवल 19 की है और जो किंग है लेवल 15 का है। तो अगर आपको सिर्फ किंग और क्वीन अगर लेवल 25 के ऊपर होंगे तो ये अटैक काफ़ी और अच्छा हो सकता है। तो आप ये अटैक अच्छी तरीके से कर सकते हो अगर आपके किंग और क्वीन काफ़ी अच्छी लेवल के हो, लेकिन यहाँ पे थोड़े डाउन थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये काफ़ी अच्छा अटैक मतलब तीसरा अटैक हो गया है। और यहाँ पे एक एडवांटेज भी थी कि जो एक्सपोज थे ओपोनेंट के वो ग्राउंड पर थे और यहाँ पे विजार्ड टावर भी थोड़े से बाहर थे, वो भी एक एडवांटेज मिल गई थी। और जैसे कहते हैं यहाँ पे मैंने एक पुश के लिए मैंने एक हेस डाल दिया और फिर यहाँ से टॉप कॉर जहाँ से टॉप से मैंने क्या किया कि थोड़े से लूज डालने, क्योंकि ये जो एयर डिफेंस बच गया था, तो इसीलिए यहाँ से मैंने लून्स डालने स्टार्ट कर दिए। और ऐसे ही आप लून्स डालें मतलब 4-4 करके लून्स डालेगा और एक ग्रुप बना दीजिए, क्योंकि वो जब बीच में पहुँचेंगे
लूंस को, वो ग्रुप ग्रुप में पहुंचेंगे। आप एकदम सारे लूंस मत छोड़िएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा कि अगर एयरमैन टारगेट हो गई तो सारे के सारे लूंस खत्म हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही जैसे मैंने अभी लूंस छोड़े, आप भी वैसे ही लूंस छोड़िएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि लावा लावा एक पूरा का पूरा लावा बचा है, और लावा पॉप से वो क्लीनअप के लिए हेल्प करे तो ज़्यादा क्लीनअप भी नहीं लगा, और ये काफ़ी अच्छी तरह टाइम से हो गया था, मतलब थोड़ा लाइक एक मिनट कुछ बच गया था। और जैसे तेरे कितने लूंस बचे हुए हैं, और जो इलेक्ट्रो ड्रैगन है इसकी हेल्थ भी फुल होगी, तो ये अटैक काफ़ी औसम होएगा। लेकिन आप ही बोलेंगे कि यार इसमें जो विजार्ड टावर थे वो थोड़े बाहर थे, और जो एक्सबोस भी थे वो काफ़ी अंदर थे, तो आप लाइक ये तो ईजी बेस हो गया आपके लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अगर जो एक्सबो है वो ग्राउंड और एयर दोनों को टारगेट भी करता है तो ये अटैक काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है। लेकिन ये अटैक कब आपकी तरह और अच्छी तरीके से हो जाता है, जब आपके किंग और क्वीन लेवल 25 के ऊपर होंगे, तब ये अटैक और अच्छा हो जाएगा आपकी तरफ से। तो आइए और एक अटैक देखते हैं, तो लेट्स गो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो ये मेरा फ्रेंड का अकाउंट है, जो मैंने काफ़ी पहले से मैं खेलता नहीं हूँ इस पर, लेकिन यहाँ पे मेरे किंग का जो लेवल है वो लेवल 14 का है, और ये जो अब अगर आप बेस देखें वो ऑलमोस्ट मैक्स बेस लग रहा है मेरे को तो। और यहाँ पे जो मेरी क्वीन है वो लेवल 10 की है, तो अगर मैंने आपको पहले बोला था अगर आपको किंग और क्वीन का लेवल अगर लेवल 25 के ऊपर होंगे तो ये अटैक काफ़ी अच्छा होएगा। यहाँ पे ये अटैक 3-star अटैक हो गया है, और काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया है। तो मैंने क्या कि यहाँ पे जो सीसी है उसको मैं जैप करना चाहता था, लेकिन वो जैप हुई नहीं ठीक से, लेकिन मुझे जो है तो ईडी है वो मिल गए, लेकिन ये थोड़े जैप नहीं हुई, जैप हो सकती थी लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जैसे आप देखिए लेट्स स्टार्ट, तो मैंने जो लाइटनिंग थे वो ये कि यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पे 4-3 छोड़ दिए, यहाँ पे 3 छोड़ दिए, और फिर वहाँ पे एक दो ऐसे करके मैंने दोनों साइड पे छोड़ दिए, और यहाँ पे अर्थक्वेक छोड़ दिया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार सीसी डाउन नहीं हुई है, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक विक्रम चलाया कि यहाँ पर एक लून छोड़ दिया ताकि जो सीसी पुल हो जाए, और मेरे जो स्ट्रेटजी थी कि ये जो क्वीन है ओपोनेंट की जो क्वीन है उसको मेरे को किंग और अपनी मेरी क्वीन से उसको मारना था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए हो गया क्योंकि जो सीसी बची थी ना ओपोनेंट की सीसी जैप ठीक से नहीं हुई थी, क्योंकि तो वो थोड़ा सा अटैक डिफिकल्ट हो गया, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे किंग और क्वीन से मैंने ओपोनेंट की क्वीन को भी मार दिया और जो ट्रूप्स थे उसको भी मार दिया। तो आपको भी ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा जब आप ये अटैक करोगे, आपको डरना नहीं है कि यह थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हुआ, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपका यह अटैक 3-star अटैक हो सकता है। लेकिन अगर आपका किंग और क्वीन अच्छे लेवल का हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लालून स्टार्ट कर दिया है, और देखिए मैं कैसे लालून छोड़ता हूँ, लूंस कैसे छोड़ता हूँ, एक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ग्रुप करके छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर आप बड़ा ग्रुप एक साथ छोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, एयर माइन जो होते हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे और काफ़ी सारे लूंस एक साथ मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना है। तो आपका ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप में लून छोड़ने, और मैं थोड़े से लून यहाँ पे बचा के रखे थे ताकि जो है वो ऐसे चले जाए, और जो यहाँ पे जो अच्छा एक एयर टारगेटिंग डिफेंस है जैसे कि वो जो एक्सपो हो गया और जो इडन टेस्ला हो गया वो काफ़ी डैमेज पहुँचा था। लेकिन एक अटैक काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया है, लेकिन अगर मेरा किंग और क्वीन अच्छी तरीके अच्छी लेवल का होता तो ये अटैक काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता था। आप अपना जो अगर मैंने क्या कि इलेक्ट्रो ड्रैगन मैंने थोड़ा सा साइड में छोड़ा, उतना एयर डिफेंस पे नहीं छोड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन का सफ़र करना होता है, मतलब इलेक्ट्रो ड्रैगन को एंड तक टिकना होता है। लेकिन इलेक्ट्रो ड्रैगन पहले ही ख़त्म हो गया तो यह अटैक आप हार सकते हो, तो इलेक्ट्रो ड्रैगन का एंड तक चलना ज़रूरी है इस अटैक में। तो आप भी थोड़ा इलेक्ट्रो ड्रैगन सोच समझ के डालिएगा कि कहाँ डालना है। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन यहाँ पे डाला कि यहाँ पे वहाँ पे ज़रूरत थी, और थोड़ा सा सपोर्ट भी मिला क्योंकि वहाँ से लूंस नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए। तो चलो लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट अटैक, तो लेट्स गो। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे जैप कर लिया, मेरे को कितना अच्छा वैल्यू मिला देखिए, मेरे को ओपोनेंट की मैंने सीसी भी मिल गई और क्वीन भी मिल गई, प्लस वहाँ पे एक ईडी था वो भी मिल गया, और यहाँ पे मैंने किंग और क्वीन छोड़ा क्योंकि यहाँ पे एक ईडी था वो थोड़ा सा बाहर था, तो इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ से किंग और क्वीन छोड़ा। यहाँ पे थोड़ा एक वॉल ब्रेकर एक्स्ट्रा ले लिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर थोड़ा ईडी थोड़ा सा अंदर हो तब आपको वॉल ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जैसे किंग और क्वीन थोड़े बहुत कम लेवल के हैं और उतना ज़्यादा अच्छा वैल्यू नहीं मिल पाता, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके किंग और क्वीन थोड़े कम लेवल के हुए तो आप
जब जैप का वैल्यू देख के ही आप ये अटैक कीजिएगा अगर आपका जो किंग और क्वीन का वैल्यू कम हुआ तो। जैसे यहाँ पे आप मैंने लालून स्टार्ट कर दिया है और जैसे कि आप जैसे कि मैंने जो लून से वो किस प्रकार छोड़े हैं अभी वैसे ही लून छोड़ेगा, मतलब छोटे छोटे ग्रुप में छोड़ेगा और एक मतलब एक स्टेज में आके वो जो लून से वो एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। लेकिन ऐसे छोड़ने का फायदे क्या है कि जो अपोनेंट की जो एयर टारगेटिंग माइंस होते हैं वो थोड़ी सी मतलब काफ़ी डैमेज पहुंचाती है हमारे लून्स को। तो और इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ हम दो हेस्ट लेके जाते हैं, तो आप जब आप हेस्ट यूज़ करोगे तो काफ़ी सोच समझ के आप हेस्ट यूज़ कीजिएगा। और जो आप ईडी लेके चलते हो आपके जो सीसी में, तो उस ईडी को आप प्रॉपरली यूज़ कीजिएगा जहाँ पर आपको अच्छा वैल्यू भी मिल जाए और उस ईडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि ईडी एक ऐसा हथियार है आपका कि जो क्लीनअप भी करता है और काफ़ी मतलब काफ़ी डिफेंस को भी निकालता है। तो आप मेक श्योर कि जो आपके पास जो ईडी है वो एंड तक टिक जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ईडी है वो अभी तक स्ट्राइक कर रहा है, उसकी स्ट्राइक देखा कितना लॉन्ग लॉन्ग स्ट्राइक करता है। तो इसीलिए ये एक ईडी अगर आपका बच गया है एट द एंड तक बच गया तो आप ये अटैक तीसरा अटैक कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी वही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपका किंग और क्वीन 30 लेवल का नहीं है तो ये थोड़ा सा रिस्की अटैक है, थोड़ा सा है, लेकिन आप ये अटैक कर सकते हो अपोनेंट का बेस लेआउट देख के। तो अब मेक श्योर कि आप जब लून छोड़ेंगे तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में छोड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।